क्लास 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 हेलो। जी क्लास वॉइस क्लियर है? हेलो। अच्छा, हमारे कुछ लास्ट टॉपिक है गए, तो हम डिस्कस करते हैं। रिकर्जन इन सी शार्प, ठीक है। रिकर्जन क्या है? एक हमारे पास ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिससे हमें लग रहा हो कि जो एक एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, वो मींस के फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू। जैसे हमने फैक्टोरियल वाला एक प्रोग्राम देखा था। फैक्टोरियल क्या होता है? कोई भी नंबर अपने आने वाले, पीछे आने वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं कहूँ 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 5, फिर जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 3 से। सो एक ही ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का बार बार परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बेस और पावर वाला देखूँ, ये मैंने एक नंबर दिया बेस 2, और मैं उस पर अप्लाई करना चाह रही हूँ पावर 4, तो क्या होगा? 2 4 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो रिजल्ट आएगा वो फिर मल्टीप्लाई बाय 2, जो रिजल्ट आएगा वो फिर मल्टीप्लाई बाय 2। मीन्स एक ही प्रोसीजर, 2 अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी दफा जितनी हमने पावर दिए। कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो बार बार परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए हम एक ही मेथड में, एक तो मेथड ये है कि हम लूप लगा लें, दूसरा तरीका ये है कि वो प्रोसीजर सेम है, एक ही काम बार बार हो रहा है। सो उसके लिए वी कैन यूज रिकर्सिव मेथड एज वेल। रिकर्सिव मेथड या रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा मेथड जो अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ 2 की पावर 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर वो 4 दोबारा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, 4 टू 8, 8 टू 16। इस तरीके से ये क्या हो रही है, एक मेथड अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। इसी तरह अगर मैं सम की बात करूँ कि मेरे पास सम क्या है, एक नंबर, हर आने वाले नंबर सम में ऐड होता रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सम का मेथड दोबारा कॉल करती रहूँगी। तो रिकर्सिव मेथड कौन सा मेथड है? एक ऐसा मेथड जो अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव रिकर्जन। स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत कम है, एनी हाउ ये टॉपिक्स इंक्लूड होंगे आपके फाइनल में जो आप मार्च पा रहे हैं। रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ मेथड मेक्स अ कॉल टू इटसेल्फ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। रिकर्जन क्या है? एक ऐसा मेथड जब अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, तो हम उसको, अभी तो हमने देखा ना कि हम मेन से मेथड कॉल कर रहे होते हैं या मेथड से कोई और मेथड कॉल कर रहे होते हैं। रिकर्सिव मेथड क्या है कि एक ऐसा मेथड जो अपने एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कोई सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करेगा, उसके बाद अपने आप को दोबारा कॉल कर देगा। सच मेथड्स आर कॉल्ड रिकर्सिव। उन मेथड्स को जो आप, जो मेथड अपने आप को कॉल कर रहे होते हैं, हम उन मेथड्स को कहते हैं कि दीज आर रिकर्सिव मेथड्स। Recursion is a programming technique whose correct usage leads to elegant solutions to certain problems. ठीक है, कुछ certain problems हैं जिनके लिए हम recursion use कर सकते हैं। जैसे हमने factorial वाला देखा, Fibonacci series देखी, base power वाला देखा, sum वाला देखा, तो कुछ specific problems हैं जो, जिसमें एक operation बार बार perform हो रहा है, तो हम उसको कह रहे हैं कि वे recursion है, recursive method, जिसमें बार बार call हो रहा है। Sometimes its usage could considerably simplify the programming code and its readability. कुछ दफ़ा हम रिकर्जन इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा कोड जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए और उसकी रीडेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाए। और रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। एक ऐसा मेथड जो अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि वो एक रिकर्सिव मेथड है। अ फंक्शन दैट कॉल्स अनदर फंक्शन इज नॉर्मल। अभी आज तक हम क्या देखते आ रहे हैं, कोई एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है। जैसे मैंने एक मेथड बनाया सम का, और मैं सम के मेथड को मेन से कॉल कर रहा हूँ, दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर।
बट व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन दैट इज अ रिकर्सिव फंक्शन. जब एक फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है दैट फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन. लाइक इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ये हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, एग्जांपल क्या है मेरे पास, मैंने एक नंबर मेन, हमेशा प्रोग्राम एंट्री पॉइंट मेन होता है. मैंने एक नंबर यूजर से इनपुट लिया n, मैंने दूसरा नंबर यूजर से इनपुट लिया m. ठीक है, मैंने ये रेंज डिफाइन करने के लिए दो नंबर लिए कि n से लेकर m तक जितने नंबर मैं इनपुट दे रही हूँ उनका सम जनरेट होना है. लेट्स से अगर मैंने n दिया 4 और मैंने m की वैल्यू दी 8, तो ये 4 से लेकर 8 तक जितने नंबर आएंगे उसका सम मुझे जनरेट करना है. 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है, जो n और m मैं दूंगी उसी के रेंज के अंदर ये क्या करेगा, सम जनरेट करेगा. सो एंड फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और मैंने एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड सम, और उस सम के वेरिएबल में मैंने क्या कॉल कर दिया, कैलकुलेट सम रिकर्सिवली का एक मेथड बनाया मैंने, और उस मेथड में ये n और m दोनों वैल्यूज पास कर दिए एज एन आर्ग्यूमेंट. अब मेन से मेरा प्रोग्राम का फ्लो कहाँ चला जाएगा, यूजर से एक नंबर लेगा उसको एम में स्टोर करेगा इंटीजर नंबर, यूजर से दूसरा नंबर लेगा इंटीजर नंबर उसको एम में स्टोर करेगा, और सम क्या और फिर क्या करेगा, कैलकुलेट सम रिकर्सिवली का मेथड कॉल हो जाएगा जिसमें वो दोनों एन और एम की वैल्यूज पास हो जाएंगी. तो मेरे प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के इस कैलकुलेट रिकर्सिवली के मेथड में चला जाएगा, जो कि इस एन की वैल्यू को यहाँ की लोकल वेरिएबल एन में रखेगा और एम की वैल्यू को यहाँ की लोकल वेरिएबल एम में स्टोर करेगा. फिर उसके बाद मैंने इस मेथड की डेफिनेशन, और मैंने क्या कहा कि ये फंक्शन है तो ये फंक्शन जाते हुए अपने साथ एक इंटीजर वैल्यू लेके जाएगा जो सम होगा, जो इन दोनों नंबर्स का सम होगा. इस केस में मेरे पास क्या हो गया, एंड सम इज इक्वल टू एन. अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, वो टेबल में मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि एन की वैल्यू जो मेन से पास करनी थी, n की जो फर्स्ट वैल्यू है वो यूजर ने दी n इज इक्वल टू, लेट सपोज हम कर लेते हैं कि 3 दी, और m की वैल्यू यूजर ने दी 6 कर लेते हैं. ठीक है, ये दोनों वैल्यू 3 एंड 6 यहाँ पे आएगी मेरे पास n और m की फॉर्म में. कैलकुलेट सम रिकर्सिवली में इंटीजर n की वैल्यू ये 3 पास हो जाएगी और m की वैल्यू ये 6 पास हो जाएगी. और फिर यहाँ पे मेथड की डेफिनेशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया विच इज सम, और हम कह रहे हैं इन सम इज इक्वल टू एन, यानी कि जो एन वैल्यू पास हुई है वो हम क्या करते हैं, वो ही वैल्यू सम की हो जाए. सम मेरे पास क्या हो गया, एन विच इज 3. ठीक है, उसके बाद हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लॉजिक लगा रहे हैं इफ की. तो लॉजिक हम क्या लगा रहे हैं, इफ एन इज लेस देन एम, अगर n की वैल्यू m से छोटी है, which is 3 and m is 6, 3 less than 6, if this condition is true, yes, this condition is true right now, 3 is less than 6, so क्या करो, n plus plus कर दो, n में एक का increment कर दो, so n की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, n is equal to 4, 3 थी, 3 plus plus किया, 3 plus 1 किया, 4 हो गया. अब ये क्या कह रहा है, रिटर्न करो सम इज इक्वल टू कैलकुलेट सम रिकर्सिवली, यानी कि अपने आप को दोबारा कॉल करो. अब ये मेथड अपने आप को दोबारा कॉल करेगा और कैलकुलेट करने के बाद कैसे करेगा, कैलकुलेट सम रिकर्सिवली n और m. अब ये क्या पास करेगा, n की अपडेटेड वैल्यू, और अपने आप को ही दोबारा कॉल कर देगा. ठीक है, अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, क्या वैल्यू लेके जाएगा, n इज इक्वल टू 4 और m क्या वही 6 जाएगा, m इज इक्वल टू 6. फिर ये यहाँ आया, अब इसने क्या कह दिया, sum इज इक्वल टू n, sum की वैल्यू दोबारा क्या कर दो, n. तो sum की वैल्यू अब मेरे पास क्या हो गई. अच्छा, और साथ साथ ये सम में ही भी इंक्रीमेंट कर रहा है, सम में इंक्रीमेंट कैसे कर रहा है, रिटर्न सम प्लस इज इक्वल टू कैलकुलेट सम रिकर्सिवली. तो सम की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 3, अब क्या सम हो गया, सम की वैल्यू हो गई सम इज इक्वल टू एन विच इज 4, तो सम इज इक्वल टू एन प्लस 3 अगर हम कह रहे हैं तो हमें क्या देगा, 4 + 3 = 7. ठीक है, ये साथ साथ स्टेटमेंट्स को हमने इसी तरीके से समझना है. तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न सम
प्लस इज इक्वल टू कैलकुलेट सम रिकर्सिवली, मतलब जो कैलकुलेट सम रिकर्सिवली जो चीज रिटर्न कर रहा है उसको सम से ऐड करते रहो। इसकी एक डायग्राम है मेरे पास, वो मैं अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो वो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी। ये वाली ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, दे आर रिज्यूमिंग कि एन की वैल्यू 1 दी यूजर ने, 3 की वैल्यू एम की वैल्यू 3 दी। तो जब एन और एम कॉल होगा मेन से, सबसे पहले एन और एम कहाँ कॉल होगा, ये कैलकुलेट सम रिकर्सिविटी का मेथड मेन से कॉल होगा, एन की वैल्यू 1 पास होगी, एम की वैल्यू 3 पास होगी। और यहाँ पे मेरे पास सम क्या होगा, इंट सम इज इक्वल टू एन, जो वैल्यू एन की पास हुई है वही वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वही वैल्यू हमारे पास सेट होगी एम सम की। सो एन क्या था 1, सम 1 हो गया, तो सम मेरे पास 1 हो गया। फिर ये क्या करेगा, इफ एन इज लेस देन एम, एन प्लस प्लस, एन को प्लस प्लस करेगा, एन की वैल्यू 1 थी, अब एन प्लस 1 2 हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या कह रही है, रिटर्न सम इज इक्वल टू सम प्लस कैलकुलेट रिकर्सिवली एन और एम, रिटर्न करो सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम प्लस सम की वैल्यू क्या थी एन की वजह से 1, प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली एन और एम। अब दोबारा कैलकुलेट सम रिकर्सिवली को कॉल कर दो और अब एन की वैल्यू अपडेटेड पास करो विच इज 2। तो अब ये यहाँ आएगा नीचे वाला, यहाँ दोबारा कैलकुलेट सम रिकर्सिवली ने अपने आप को ही कॉल कर दिया, अपने आप को कॉल किया, एन की वैल्यू अब क्या 2 हो गई, एम वही 3 है और सम की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई। 2 कैसे हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया एंड सम इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू 2 पास हुई थी तो सम भी हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। एम वही 3 है, एन की वैल्यू एन प्लस प्लस की वजह से 2 हो गई, जिसकी वजह से सम की वैल्यू एन की इक्वल है तो सम भी 2 हो गया मेरे पास। देन मैंने कंडीशन वही वाली सेम वही सेम मेथड दोबारा प्रोसीजर कॉल होगा, इफ एन इज लेस देन एम, 2 लेस देन 3, यस दिस कंडीशन इज स्टिल ट्रू, एन प्लस प्लस, एन को प्लस प्लस कर दो यानी कि 2 प्लस 1 3 कर दो और रिटर्न सम इज इक्वल टू सम प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली। सो कैलकुलेट सम रिकर्सिव सम क्या आ गया मेरे पास, अब 2 हो गया, सो 2 प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली। सो कैलकुलेट सम रिकर्सिवली क्या आ गया, अगेन अपने आप को मेथड कॉल कर देगा और क्या वैल्यू ले जाएगा, एन की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू भी 3। दोबारा से इस मेथड ने अपने आप को कॉल किया, एन इज इक्वल टू 3 एंड एम इज इक्वल टू 3, सम की वैल्यू फिर से एन की इक्वल कर दो विच इज 3, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, सम 3 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, क्या एन लेस देन एम है, क्या 3 से छोटा है, क्योंकि अब एन भी 3 है और एम भी 3 है, एन लेस देन एम नहीं है, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, एल्स मतलब इफ की बॉडी के बाहर आएगा और रिटर्न कर देगा सम, सम की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास 3, क्योंकि हमने कहा था एंड सम इज इक्वल टू एन विच वॉज 3 नाउ। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारे पास सम में स्टोर हो गई 3, इसने इफ की स्टेटमेंट चेक की, इफ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न सम कर देगा, सम की वैल्यू क्या है 3, ये 3 की वैल्यू कहाँ जाएगी, उस मेथड पे जिसने इस यही सेम मेथड पे बट इस लास्ट वाले कॉल में, यहाँ जाएगा 3 और क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, कैलकुलेट सम रिकर्सिवली में जहाँ सम की वैल्यू 2 थी, इस मेथड की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 3। ये मेथड जो कॉल हुआ कैलकुलेट सम रिकर्सिवली यहाँ आया, इसने क्या रिटर्न किया सम, इस मेथड की जगह सम की वो वैल्यू आ गई विच इज 3, जो यहाँ से पास हुई और यहाँ से पास होकर कहाँ चली गई, इस स्टेटमेंट में सम की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस इस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली ने जो रिटर्न किया 3, सो 2 प्लस 3 5। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिटर्न कर देगा 5, रिटर्न सम क्या रिटर्न होगा 5 यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, जब ये यहाँ से लास्ट कॉल हुआ था ऊपर, यहाँ आया सम इज इक्वल टू 6, इस स्टेटमेंट में मेरी वैल्यू क्या हो गई, पहले सम की वैल्यू 1 थी, सम प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली का रिजल्ट क्या आया 5, सो इसने क्या किया, रिटर्न सम 1 प्लस 1 6, और फिर यहाँ से रिटर्न कर देगा 6, और ये 6 कहाँ जाएगा, जहां से मेन से मैंने ये मेथड कॉल किया था,
यहाँ पे इस मेथड की जगह क्या आ जाएगा, सिक्स, सम की वैल्यू हो जाएगी सिक्स और ये मुझे प्रिंट कर देगा सम. दैट इज द वे ऑफ परफॉर्मिंग रिकर्जन. रिकर्जन इस तरीके से होती है, एक मेथड अपने आप को कॉल करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो उसी सीक्वेंस में, जितनी दफा उस मेथड ने अपने आप को कॉल किया होगा उसी सीक्वेंस में रिवर्स जाएगा और वैल्यूज रिटर्न करता चला जाएगा. जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास सबसे पहले मेन से मैंने मेथड कॉल किया, ये मेथड कैलकुलेट सम रिकर्सिवली कॉल हो गया. इसने अपने आप को दोबारा कॉल किया यहाँ पे, फिर इसने अपने आप को दोबारा कॉल किया यहाँ पे. जब जब कंडीशन ट्रू होती रही ये मेथड अपने आप को ही कॉल करता है. जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई इस मेथड ने रिटर्न करना शुरू कर दिया. जो चीज रिटर्न हुई कहाँ गई, यहाँ से इससे पहले वाले रिकर्सिव रिकर्जन वाले प्रोसेस पे. यहाँ पे रिटर्न हुआ, यहाँ से कहाँ रिटर्न हुआ, इससे पहले, और यहाँ से कहाँ रिटर्न हुआ, मेन में. यानी कि मेरे पास ये रिकर्सिव मेथड जिस सीक्वेंस में कॉल हो रहा है उसी सीक्वेंस में वापस वन बाय वन जो है रिवर्स मेमोरी में वापस भी जाएगा और अपने साथ वैल्यू रिटर्न करता जाएगा. क्योंकि जब ऊपर से नीचे आया तो कैलकुलेट सब रिकर्सिवली ने अभी कुछ रिटर्न नहीं किया था, तो तभी यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, बस सम की वैल्यू एन थी जो कि वन थी. सो वन प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली, इसने अपने आप को ही कॉल कर लिया, वन वही अपनी जगह रहा. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, चले हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं. यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक है, रन कंसोल डॉट राइट लाइन. एंटर स्टार्टिंग वैल्यू फॉर सम. Int a is equal to convert dot to int 32 console dot readline. ठीक है, फिर यही काम मैंने दूसरे उसके लिए किया. Enter ending value for sum. Int b is equal to convert dot to 32. दूसरा नंबर भी इनपुट ले लिया. तो मैंने यहाँ पे एक थर्ड नंबर इनपुट लिया. Int sum is equal to, जिसमें मैं एक मेथड कॉल कर रही हूँ, इसका नाम रखते हैं रिकर्जन या सम रिकर्जन. रिकर्जन के थ्रू हम सम कर रहे हैं और उसमें क्या वैल्यूज पास हो जाए, ए एंड बी जो यूजर्स ने हमने इनपुट लिए. अभी हमने मेथड ये डिक्लेयर नहीं किया इसलिए एरर देगा. सेम क्लास के अंदर हम ये मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं. मेथड कैसे डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि ये मेथड अपने आप को बार बार कॉल करेगा और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब जिस सीक्वेंस में वापस आएगा अपने साथ वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं int, sum return होगा और यहाँ पे हम sum recursion का नाम का जो हमने method बनाया है ठीक है, sum recursion. और इस method को हमने क्या कहा कि ये method दो integer लेगा. आप चाहे तो same name रखें, आप चाहे तो different नाम रखें variable के. ठीक है, ये सेम, ये क्या है, अलग अलग लोकल वेरिएबल्स है, चाहे आप नाम सेम भी रखें या अलग रखें. ठीक है, मैं इसको ऐसा करती हूँ, x और y कर देती हूँ, x एंड y. ठीक है, ये मेरे पास x और y हो गया. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int n is equal to x, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वहां से पास हो रही है वो कहाँ रख दो, सम में. n sum is equal to x, जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है उसको x के equivalent रख दो. और if, अगर मैं कह रही हूँ if
एक्स यानी कि जो फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग वैल्यू पास हुई है अगर वो लेस देन है सेकंड नंबर जो एंडिंग नंबर है, इफ एक्स इज लेस देन वाई तो क्या करो, तो ये करो कि एक्स प्लस प्लस कर दो, एक्स प्लस प्लस कर दो और क्या करो, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो, सम विच इज सम इज इक्वल टू सम प्लस सम रिकर्जन और उसमें दोबारा से पास कर दो एक्स कॉमा वाई सेमीकोलन, और इफ इस इफ की कंडीशन से बाहर क्या करो, रिटर्न सम। ठीक है, ये मेरे पास प्रोग्राम हो गया, इसको जो ये सम फाइनल होगा ये यहाँ सम के वेरिएबल में आएगा और फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं इसको जो हम रिजल्ट कर देते हैं, ताकि मैं अलग अलग लोकल वेरिएबल्स में इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके पास ये क्लियर वर्सा ना हो के बाद में कभी आप बोलें तो बोलें कि मिसने तो एक ही वैल्यू वेरिएबल रखा था, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, चाहे नाम सेम हो चाहे नाम डिफरेंट हो। यहाँ पे वो वाले नेम यूज होंगे जो आपने मेन के अंदर यूज किए और मेथड के अंदर वो नेम एक्सेसिबल होंगे जो आपने उसकी आर्ग्यूमेंट में पास किए। console.println result, ठीक है, हम इसको रन करते हैं। एंटर स्टार्टिंग वैल्यू, लेट से मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 1, एंटर एंडिंग वैल्यू 5, ये 1 से लेकर 5 तक तमाम नंबर्स का सम जनरेट करके काम वही कर रहा है जो हम फॉर लूप से कर रहे थे, बट अब हमने फॉर लूप वाले काम को रिकर्सिव मेथड से रिपीट कर दिया, विच इज जो ज्यादा बेटर है। देखें वो जो फॉर लूप की हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर वो काम मल्टीप्लाई करते सब चीजें करते, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वही काम एक सिंगल स्टेटमेंट से करवा दिया, एक मेथड अपने आप को कॉल कर रहा है और उसमें मैंने यही काम बार बार हो रहा है। सम में क्या रिजल्ट ऐड हो रहा है, जो सम रिकर्जन का मेथड रिटर्न कर रहा है और इसी मेथड को मैंने सीक्वेंस में रिटर्न कर दिया। अब मैं आपको वन बाय वन इसका दिखाती हूँ। 1 और 5 यूजर ने इनपुट दिया था ए और बी, सो सम रिकर्जन में क्या पास हुआ, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 5, 1 और 5 आ गया, ए की वैल्यू 1 इस एक्स में स्टोर हो गई, तो 1 by 1 में इसको यहाँ कमेंट कर देते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो ए और बी की वैल्यू यूजर ने, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 1 दी और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 दी और बी की वैल्यू 5 दी, तो मेरे पास जो a और b की वैल्यूज पास हुई सम रिकर्जन के मेथड में, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 5, ये सम रिकर्जन का मेथड कॉल हो गया अपने साथ 1 और 5 की वैल्यू लेकर यहाँ आ गया। x की वैल्यू क्या हो गई, जो यूजर ने a पास किया था, ये अब तक वो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है जो हम मेथड कॉल करते हैं, x की वैल्यू वो n हो 1 हो गई जो a की वैल्यू थी और y की वैल्यू वो 5 हो गई जो b की वैल्यू थी, और यहाँ पे आके मेरे पास क्या हो गया, x 1 हो गया, y 5 हो गया। और इस स्टेटमेंट के बाद मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा सम इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिया, सम इज इक्वल टू x, सम की क्या वैल्यू है, जो x की वैल्यू है विच इज 1, सम भी 1 हो गया। अब ये चेक करेगा इफ x इज लेस देन y, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या इफ 1 इज लेस देन 5, Yes, 1 is less than 5, this condition is true. So, जब ये if की condition true हो जाएगी, so body of loop चलेगा, x plus plus हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x plus plus, x is equal to 2, x की value पहले 1 थी, अब 2 हो गई, मैं 1 by 1 पूरा procedure समझा रहा हूँ। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है return sum is equal to sum plus recursion x or y, ठीक है, क्या return करो, return sum is equal to sum, यानी कि sum की value अभी मेरे पास क्या है, 1, तो क्या return करो, sum is equal to 1 plus sum recursion अपने आप को दोबारा call करो। काश ये मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, इसको कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम में आप समझ पाए, आई होप इस तरीके से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 2, क्योंकि x प्लस प्लस किया था, ये x की वैल्यू, और फिर y की वैल्यू वही 5 रही।
अब ये मेथड क्या करेगा, दोबारा से सम रिकर्जन 2 और 5 अपने आप को कॉल कर देगा, और अब एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5 देगा। तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे आने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद सेकंड जब अपने आप को दोबारा कॉल किया, पहले तो मेन से कॉल हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेन कॉल फ्रॉम मेन फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब when call from same, when call from itself, इस मेथड ने अपने आप को ही दोबारा, इस सम रिकर्जन के मेथड ने अपने आप को ही कॉल किया, when call from itself through recursion, फिर क्या होगा, x की वैल्यू अब क्या हो गई 2, y की वैल्यू वही 5 होगी, ठीक है। ये यहाँ पे आके सेकंड अटेम्प्ट में क्या करेगा, सम की वैल्यू अब कर देगा x, विच इज x की वैल्यू अब 2 है, तो सम 2 हो गया मेरे पास। अब ये यहाँ आएगा और क्या चेक करेगा, इफ 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, क्या 2 की छोटा है 5 से, यस दिस कंडीशन इज स्टिल ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट में क्या कर दो, x is equal to 3, x की वैल्यू 3 कर दो, और रिटर्न क्या कर दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम रिकर्जन। तो ये स्टेटमेंट कैसी, किसके इक्वल हो जाएगी, रिटर्न सम इज इक्वल टू सम, सम की वैल्यू अब मेरे पास क्या हो चुकी है 2, तो यहाँ पे क्या करेगा 2 प्लस, ये मेथड दोबारा से अपने आप को कॉल कर ले रिकर्जन, और अब क्या वैल्यू लेके जाए 3.5, फिर ये मेथड अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा और क्या वैल्यू लेकर आएगा, x is equal to 3, अब ये सब रिकर्जन हो रही है, y is equal to 5, एक मेथड अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर आया यहाँ पे सम की वैल्यू, अब इस स्टेप पे क्या हो जाएगी हमारे पास 3, सम की वैल्यू 3 हो गई, चेक करेगा इफ x इज लेस देन y is equal to if 3 is less than 5, क्या 3 की वैल्यू 5 से छोटी है, if yes x plus plus कर दो, x की वैल्यू लास्ट वैल्यू 3 थी, क्या कर दो x is equal to 4, और रिटर्न कर दो sum is equal to sum plus sum recursion, ठीक है, क्या रिटर्न करो, रिटर्न sum is equal to sum plus sum की वैल्यू क्या हो गई थी हमारे पास 3, 3 plus सम रिकर्जन अपने आप को दोबारा से कॉल कर दे, और अब क्या वैल्यू लेके जाए 4 और 5, ठीक है। फिर ये मेथड अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, सम रिकर्जन का ऊपर जाएगा और एक्स की वैल्यू कर देगा 4 एंड वाई की वैल्यू 5, यहाँ आ गए हम, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड सम इज इक्वल टू एक्स, तो फिर सम की वैल्यू पे मेरे पास क्या हो जाएगी 4। अब ये चेक करेगा इफ x इज लेस देन y, इफ 4 इज लेस देन 5, अगर 4 की वैल्यू लेस देन, जो कि अभी भी ट्रू है, 4 इज लेस देन 5, x प्लस प्लस कर दो, 4 x की वैल्यू लास्ट क्या थी 4, x इज इक्वल टू 5 कर दो, ठीक है, रिटर्न सम इज इक्वल टू सम प्लस रिकर्जन एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, रिटर्न सम इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अभी हमारे पास क्या हो चुकी है 4 प्लस सम रिकर्जन 5.5, ये मेथड अपने आप को दोबारा कॉल करेगा सम रिकर्जन का, और क्या वैल्यूज लेके जाएगा 5 और 5, यहाँ ऊपर आया, x की वैल्यू 5 कर दी, y की वैल्यू भी 5 कर दी, इस स्टेप पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x is equal to 5 and y is also 5, और sum की value भी ये क्या कर देगा 5, क्योंकि x 5 हो गया, sum is equal to 5, check करेगा if, if की statement क्या हो गई, अब यहाँ पे देखने वाला काम है, if 5 is less than 5, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं, this condition is not true, when if condition break हो गई, if की condition false हो गई, then body of if will not be x, ये सारा काम नहीं करो क्योंकि कंडीशन टू नहीं है, क्या कर दो, रिटर्न कर दो सम की वैल्यू,
क्योंकि इफ का ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ये सारा, क्योंकि कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई. फाइव इज लेस देन फाइव नहीं है. जब ये नहीं है तो क्या करो, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करो, सम को रिटर्न कर दो. अब सम जो रिटर्न होगा, सम की वैल्यू क्या है मेरे पास, फाइव. लास्ट वैल्यू सम की फाइव हो है. तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न कर दो सम को. अब जब सम विच इज फाइव रिटर्न होगा, कहाँ जाएगा, जो लास्ट टाइम जहां से ये कॉल हुआ यहाँ से, इसकी जगह क्या आ जाएगा, जो सम इसने रिटर्न किया विच इज फाइव. सो इट वुड बी फाइव प्लस फोर नाइन. नाइन वैल्यू हो गई. सो रिटर्न हो जाएगा सम इज इक्वल टू नाइन, यानी कि सम की वैल्यू दोबारा रिटर्न होगी कैलकुलेटर पर नाइन. और कहाँ जाएगी, जो इससे पहले कॉल हुआ था सम रिकर्सन, यहाँ. और यहाँ क्या रिटर्न हो जाएगा, नाइन. इसकी जगह मेरे पास जो इसने नाइन नाइन, फिर नाइन प्लस थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व विच इज सम नाउ, और रिटर्न कर देगा सम. सम रिटर्न होगा, वही आ जाएगा वापस जहां से ये वाला मेथड कॉल हुआ था. ये वाला मेथड कहाँ, रिकर्जन की वजह से यहाँ से कॉल हुआ था. इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 12. फिर ये क्या करेगा, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14. रिटर्न सम विच इज 14, सम को रिटर्न कर देगा, 14 को रिटर्न कर देगा कहाँ, जहां से ये मेथड फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था, 14. 14 प्लस 1 15. रिटर्न सम, अब ये रिटर्न सम होके कहाँ जाएगा, जहां से फर्स्ट टाइम ये मेथड कॉल हुआ था. ये मेथड फर्स्ट टाइम कहाँ कॉल हुआ था, मेन से. सो ये 15 को कहाँ रिटर्न कर देगा, इस फर्स्ट कॉल के जगह पर. और 15 की वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, कंसोल डॉट राइट लाइन पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा विच इज 15. रिटर्न सम वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो. अच्छा रुको, ठीक है. सम रिकर्जन कॉल हुआ, x की वैल्यू 5 गई, y की वैल्यू 5 गई. सम रिकर्जन ने अपने आप को ही दोबारा से कॉल कर दिया. अच्छा देखो, ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी जब मैं मेथड पढ़ा रही थी, कि जब मेथड जहां से कॉल होता है रिटर्न, वो उसी सीक्वेंस में होता है. लेट से मेरे पास एक मेथड है मेन का, मेन के मेथड ने एक मेथड कॉल किया मेथड ए, मेथड ए ने एक और मेथड कॉल किया मेथड बी, मेथड बी ने एक और मेथड कॉल किया मेथड सी. ये रिकर्जन नहीं है, ये अलग अलग मेथड है. मेन ने ए को कॉल किया, ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया. तो फिर जब हम वापस जाएंगे, जब मेथड अपनी सारी परफॉर्मेंस फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेगा सी वाला मेथड, तो सी दोबारा ए में नहीं जाएगा, सी कहाँ से जाएगा, जिसने उसको कॉल किया. तो सी रिटर्न होगा बी में, बी वापस आएगा ए में, ए वापस जाएगा मेन में. तो जिस सीक्वेंस में मेथड कॉल होता है उसी सीक्वेंस में रिटर्न होता है. इसी तरह रिकर्जन में भी ऐसी होगा, जो मेथड मेन से कॉल होगा और रिकर्सिवली कॉल होता चला जाएगा उसी सीक्वेंस में वापस रिपीट होगा, जैसे हमने यहाँ पे इस डायग्राम में भी देखा था. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मेन से यहाँ आए, यहाँ से ये वाला मेथड कॉल हुआ है, सेम मेथड कैलकुलेट सम रिकर्सिवली, यहाँ से यहाँ गए. अब जब ये यहाँ से रिटर्न करेगा तो ये किसको रिटर्न करेगा, जहां से ये कॉल हुआ था. तो ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ, तो ये यहाँ आया. ये जब रिटर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ. तो अगर आप एरो हेड देखें, यहाँ से मेथड कॉल हुआ यहाँ पे, यहाँ से इसने कॉल किया इस मेथड को, और जब रिटर्न करना शुरू किया तो ये यहाँ से कॉल हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये कॉल हुआ यहाँ पे. तो जिस सीक्वेंस में हमने इसको, जैसे लॉग मेंटेन होती है ना, ये लॉग मेंटेन होती है, जिस सीक्वेंस में कॉल हुआ उसी सीक्वेंस में रिटर्न होगा. तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही हो रहा है हमारे कोड में, ठीक है. यहाँ पे सम रिकर्जन के मेथड ने 5.5 को कॉल किया, और ये 5.5 इस मेथड पे दोबारा चला गया. एक्स की वैल्यू 5 हो गई, वाई की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है. लास्ट अपडेटेड वैल्यू एक्स 5 वाई 5. इसी वजह से सम की वैल्यू एक्स है, x की वैल्यू ऑफ 5 थी, तो सम भी हमारे पास 5 हो गया. अब ये चेक करेगा कि क्या x इज लेस देन y, क्या 5 5 से छोटा है, क्या ये कंडीशन ट्रू है. नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है. सो जब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ का ये सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. इफ के बाहर जो है रिटर्न सम, वो रिटर्न, वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. और जो कि क्या कह रही है, रिटर्न कर रही है एक नंबर वेरिएबल विच इज सम. सम की वैल्यू हमारे पास लास्ट के अपडेटेड है 5. ये रही हमारे पास सम की लास्ट अपडेटेड वैल्यू 5. सो इफ का ब्लॉक
एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ के बाहर वाले बॉडी पे क्या है रिटर्न सम, ये क्या कह रहा है सम को रिटर्न कर दो विच इज 5. अब ये रिटर्न जब होगा किस सीक्वेंस में होगा, जिस मेथड ने इसको कॉल किया था. इस मेथड को किसने कॉल किया था, यहाँ पे ये मेथड कब कॉल हुआ था, 5.5. 5.5 पे इसने क्या रिटर्न किया, सम विच इज 5. तो उस कॉल के बजाय यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, 5. क्या रिजल्ट आया, 5 + 4 = 9. कैलकुलेट करेगा और रिटर्न सम यानी कि ये सम की वैल्यू दोबारा रिटर्न कर देगा. रिटर्न कहाँ करेगा, जिस मेथड ने इसको कॉल किया था. इस वाली स्टेटमेंट पे हम कैसे आए थे, थ्रू दिस मेथड कॉल. तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 9, और किसकी जगह करेगा, जिस मेथड ने इसको कॉल किया था यहाँ पे, लाइक 9. फिर क्या हुआ, 9 + 3 = 12. रिटर्न कर देगा 12, और कहाँ रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से हम इस स्टेटमेंट में आए थे, इस कॉल की वजह से. तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, 12 + 2 = 14. इट विल रिटर्न 14. 14 कहाँ जाएगा, इस सम रिकर्जन की कॉल की वजह से. यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 14. 14 + 1 = 15. Now it will return 15. अब इससे पहले वाली कॉल कौन सी थी, इस मेथड को अब किसने कॉल किया था, मेन ने. तो ये कहाँ सम 15 की वैल्यू को कहाँ रिटर्न कर देगा, इस स्टेटमेंट की जगह पे, यहाँ पे. तो मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, और कंसोल डॉट राइट एंड मैं प्रिंट कर दूंगी रिजल्ट. इसी तरह हम ये काम करते हैं बेस और पावर के लिए, ठीक है. एंटर बेस, जिसपे हमने पावर अप्लाई करनी है. एंटर बेस, इसको हम कर देते हैं इंट बी, और फिर हम कह देते हैं एंटर पावर जो हमने अप्लाई करनी है उस बेस पे, और हम इसको कर देते हैं पी. बेटा सम की वैल्यू तो 5 यहाँ से हुई ना सकी, जब हमने लास्ट टाइम इस मेथड को कॉल किया. ठीक है, वन बाय वन मेथड कॉल हो रहा है. जब लास्ट टाइम कॉल किया, जब हमने यहाँ पे x प्लस प्लस किया, x की वैल्यू 4 थी, x प्लस प्लस कर दिया, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन टू, x प्लस प्लस, 4 प्लस 1, 5. सम रिकर्जन ने क्या कर दिया, 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 कॉल कर दी. तो ये मेथड कहाँ चला जाएगा, अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, यहाँ आ जाएगा सम रिकर्जन पे, x की वैल्यू 5 लेके और y की वैल्यू 5 लेके. अब मैं ये सब हटा रही हूँ, उससे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो. ठीक है, इस लास्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, ये सब हम हटा देते हैं. ठीक है, हमने क्या कहा, सम इज इक्वल टू x, सम की वैल्यू वो रखो जो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू 5 है, तो सम हमारे पास 5 हो गया. ये सब मैं हटा देती हूँ, मैं इसको लास्ट वाली स्टेटमेंट में हूँ. मैं कह रही हूँ इफ 5 इज लेस देन 5, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं, ऐसा नहीं है. जब ऐसा नहीं है तो x प्लस प्लस नहीं करो, यानी कि जब ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हो रही तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो जब बॉडी ऑफ x ऑफ इफ एग्जीक्यूट नहीं हो रही, रिटर्न कर दो सम. सो रिटर्न क्या करेगा, सम, एंड सम की वैल्यू मेरे पास क्या है, जो इफ से पहले है. सम तो 5 हो गया ना इफ से पहले थ्रू x, x तो 5 पास हुआ था, और 5 x के थ्रू मैंने सम की वैल्यू 5 सेट कर दी. सो इफ 5 इज लेस देन 5, क्योंकि हमारे पास सम की वैल्यू 5 हो गई है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, x में फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा, x की वैल्यू वही 5 रहेगी, और ये रिटर्न कर देगा सम विच इज 5. और ये कहाँ से कैलकुलेट हुआ है, ये यहाँ से हमने कहा एंड सम इज इक्वल टू x, और x हमने 5 पास किया, तो सम 5 हो गया. इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि यहाँ आएगा, इफ के बाहर क्या है, रिटर्न सम, सम रिटर्न कर देगा विच इज 5. इसी तरह ये सीक्वेंस में उसी लॉग में वापस जाएगा. ठीक है, अच्छा, मीटिंग एंड हो रही है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे आफ्टर 5 मिनट. जब तक आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ये होगा कैसे, और बेस और पावर वाला जरा सोचें कि बेस और पावर वाला हम रिकर्जन के थ्रू कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स पर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं.